वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आमार यूट्यूब चैनले जानाई स्वागतम। बताओ देखते हैं कितना दम है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे हरिद्वार में स्थित माता मनसा देवी मंदिर के बारे में। यह एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इस ऊंचे पर्वत तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला है रोपवे और दूसरा है सीढ़ियां चढ़ना यानी चलना। रोपवे द्वारा आसान पहुंच और अगर आप सीढ़ियों से जाएंगे तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप खूबसूरत पहाड़ और नज़ारे देखना चाहते हैं तो आपके लिए पैदल चलना ही बेहतर रहेगा। मैं यह समझता हूं क्योंकि हम पैदल आए थे, जैसा हमें लगा हम चढ़ते रहे। मैं फिर से खुश हूं क्योंकि हम यहां पहली बार आए हैं और हिम्मत के साथ सफर शुरू किया। जैसे जैसे हम पहाड़ी पर चढ़ते गए, इमारतें, नदी आदि सब कुछ बहुत छोटा लगने लगा। तभी हमें एहसास हुआ कि पहाड़ी कितनी ऊंची थी। गंगा घाट आदि हमें बहुत छोटे लग रहे थे। सड़क के किनारे कई छोटी छोटी दुकानें दिखी। यहाँ शिशु भोजन, ताजे और कटे फलों की दुकान, जो गर्मियों के लिए उपयुक्त है। रास्ते में हमें हमारे जैसे कई पर्यटक मिले जो पैदल जा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि हमारी चलने की हिम्मत बढ़ गई। जैसे ही हमने नीचे देखने की कोशिश की तो देखा कि पेड़, पौधे, गंगा घाट, दुकान बहुत छोटी दिख रही थी। कई लोग ठंडी आइसक्रीम खाते हुए चलने लगा। ये सच था कि गर्मी थी लेकिन बहुत ज्यादा, लेकिन किसी ने नहीं रोका। हर कोई माँ के दर्शन के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कोई भी थीम पर समय बर्बाद करने को तैयार नहीं है। एक बात और देखी कि इतनी गर्मी होने पर भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि यहाँ हवा भी बहुत चल रही थी, इसलिए गर्मी हम पर काबू नहीं पा सकी। यहाँ रसीले फलों की छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलती है। इस गर्मी से बचने के लिए इस रसीले फल के फायदे अनेक हैं। आप अपनी आंखों के सामने हर तरह के कटे हुए फल खाना चाहेंगे। हमने खाना खाया और फिर चलने लगे। हम नीचे देख रहे थे यह देखने के लिए कि हम कितनी दूर तक चढ़े हैं, लेकिन यह बहुत अच्छा एहसास है। माँ के दरबार में पहुँचने में बहुत देर हो चुकी है। होटल नदी के नीचे की इमारत में सब कुछ बहुत छोटा दिखता था। चलते चलते हमें कई फलों की दुकानें दिखी और यहाँ के फल खाने में बहुत मीठे होते हैं। मैंने यहाँ सड़क पर बहुत सी चीजें देखी है, उनमें से एक या दो चीजें बहुत दर्दनाक है। मैंने एक आदमी को सड़क के किनारे बैठे देखा। ऐसा लगता है कि दिन में किसी समय कोई उसे लाकर छोड़ गया और रात को ले गया, और यही उसका जीवन और आजीविका है। जब लोग यहाँ माता के दर्शन कर रहे होते हैं तो कोई न कोई कुछ पैसे दे देता है, उसी से घर का खर्च चलता है। दोस्तों नमस्कार सबको। ये हम लोग हरिद्वार में है और हरिद्वार का प्रसिद्ध माँ मनसा मंदिर को दर्शन के लिए हम लोग निकल पड़े हैं, जा रहे हैं। और इस बीच में हम लोगों को दो ऑप्शन मिला था, जहाँ पे एक तो हम लोग रूप हुए यूज करके ऊपर जा सकते थे या तो पैदल चला। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल जाएंगे। तो पैदल चलने का और एक फायदा है, रास्ते में जो जो मिलेगा, जो जो को देखने मिलेंगे, सब कुछ को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी ऊपर चल के माँ के दर्शन के लिए, माँ के मंदिर तक पहुँचने के लिए बहुत ऊंचाई पर चल रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअली कि हमें हम लोग अकेले नहीं हैं कि पैदल जाने वाला, हजार लोग के संख्या में लोग जा रहे हैं। यहाँ देखिए हम लोग ऊपर जब चढ़ गया तो गंगा का नज़ारा देखिए, जहाँ पे हम वाला होटल या गंगा का हम लोग उस तरफ आए थे दर्शन करने। हमारा छाती का
चप्पल जहाँ वीडियो तक हम इसका देखे वहाँ से थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दी, यहाँ से कैमरे में लेने की कोशिश, तो इसको अभी मरम्मत हो रहा है। हाँ, एक भैया ने इसका हेल्प कर दिया, बहुत ऊंचे में है तो चाकू पे चाकू निकला जा रहा है यहाँ पे। रास्ते में जो जो आएगा देखिए, ये मैंने रूफ हुए के बारे में बात किया था तो वही है ये रूफ हुए जो लेके आते हैं। तो मेरे ख्याल से जिसका एज ज्यादा है ये चप्पल भी हम लोगों को याद दिलाएगी। जहाँ पे हम आए थे वहाँ पे उसका एक चप्पल का एक्सीडेंट हो गया था। हम लोगों का हर किसी को नहीं होता है याद के लिए, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है हमारे सफर के बीच बीच में। देखिए कुछ फट गया है तो इसको ठीक करके अभी फिर दोबारा चलने के लिए बनाने की कोशिश करें। रास्ते में एक भैया का दुकान में जाके किसी को गिरना होता है किसी को, इसका कुछ उस घटना है जहाँ यादगार बनने के लिए गट जाते हैं। मत करके इसको फिर से चलने के लायक बना के हम लोग ऊपर चलेंगे, क्योंकि बिना चप्पल के या बिना जूते के ऊपर चलना बहुत मुश्किल बात है। धूप ज्यादा है और रास्ते में पत्थर और ईटे का कितना शानदार हवा है, हमारे आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए चप्पल या जूते बहुत अच्छा हवा। मंदिर में जाके हम लोग मान लो कि माता ने हम लोगों को बुला रहा है, बच्चे मत जाओ पीछे मत जाओ सामने आओ सामने आओ। जो हमारा दूर करने के लिए ठंडी हवा है बहुत काफी मदद करने के लिए हम लोगों को देखने के आ रहा है होगा ना। रास्ते में हम लोग खाने के लिए जैसे कि गर्मी में फ्रूट खाना चाहिए, कुछ ठंडा जमा चाहिए, बच्चे लोग ठंडे फ्रूट्स वगैरह पसंद नहीं करते तो उस जगह पर आप कुछ ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे सब बच्चे लोग भी है, इस लोगों को भी थकना नहीं थका नहीं पहले चल रहे हैं हम लोगों के साथ। हमारे पीछे देखे इतना बड़ा गार्डन बगीचा सब कुछ है। तो देखिए हम लोग आते जाते बहुत सारे लोग है, ये खाने का सामान भी अपने से उठा के चल रहा है, थकता नहीं है, वहाँ के दर्शन के लिए कोई थकता नहीं है। अभी हमारा साथी का जूता भी ठीक हो गया तो अभी चल पा रहा है इस जूते को लेके। तो हम लोगों का मानना है कि आगे जाके अगर कोई चप्पल या जूते का तो देखिए जो इस बारे में मैं बात कर रहा था, ठंडक है तो ठंडक के लिए फ्रूट वगैरह चाहिए तो फ्रूट आप लोग ले सकते हैं, रास्ते में ये सब बहुत मददगार होते हैं। देखते हैं कितना दाम है लगाओ। ठंडे के टाइम बर्फ के ऊपर इसको रख के यहाँ पे फ्रीज जैसा आनंद देने के लिए इस फ्रूट को काट के मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। एक जगह में रख के ठंडक में फ्रीज से आनंद देने के लिए रखा गया है, हम लोग भी लिया है, बहुत अच्छा है, सस्ते में भी मिल रहा है। और ये देखिए रास्ते में बहुत सारा सामान आपको मिल जाएगा, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। तो हम लोगों को ज्यादा कुछ
कहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि रुक के हम लोगों को टाइम बर्बाद करने का इरादा नहीं है। तो रास्ते में एक हमारा जो साथी का एक दादा को एक ढोल बजाने वाला मिल गया, तो वो बोलने की हम लोग कोशिश कर लेते हैं। तो कोशिश किया, देखिए बजाने के लिए शुरू किया, लेकिन वो जो ढोलक वाला दादा जैसा बजाता था ऐसा तो बजा नहीं पाया, लेकिन कोशिश किया, अच्छा बहुत बढ़िया कोशिश किया। तो दादा बजाते तो कितना अच्छे बजाते, क्योंकि उनका काम ही है तो ऐसा, वो यहाँ पे बैठ के बजाते हैं और जिसका जो मन चाहा 5 रुपया 2 रुपया दे के चला जाते हैं। मैंने फिर से ऊपर चढ़ा तो देखा कि वो जो रुपये के बारे में बात किया था, वो रुपये खुद आते हैं, देखिए एक जाते हैं तो दूसरा आते हैं, दूसरा जाते हैं तो तीसरा आ जाते हैं। ये एक्चुअली जिसको चलने में तकलीफ है, जिसको ऊपर चढ़ने में तकलीफ है, वो इसको यूज करके ऊपर आ सकते हैं। हम लोगों से जल्दी आ जाते हैं, जल्दी निकल भी जाएंगे। तो हम लोगों ने इसको मजा नहीं लिया, क्योंकि माता के दर्शन के लिए आए हैं। रास्ते में जो कुछ भी मिलेगा वो भी देखेंगे, और माता को हम लोग अपना पैरों के बल चढ़ के ही माता के दर्शन करेंगे, वो हम लोग ने थम लिया। हमारे ऊपर से कितना जो जीव जंतु का देखना, यहाँ पे हम लोगों को आते ही देखा कि बहुत क्या मिला, जो बंदर है, लंगटिया बंदर है, जो लंबे पूछ होते हैं, छोटे पूछ होते हैं, वो बच्चे माँ के साथ खेल रहे हैं। तो इसका नजारा जो है, हम लोग अगर चल के नहीं आता तो हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। देखिए कितना शांत से, कितना एक दूसरे को साफ सफाई कर रहा है, खाना खिला रहा है, और किसी के हाथ में कले है तो कले देते, तो खिला लेके खा लेते हैं। तो ये नजारा है, ये सब आप लोगों को रास्ता भी मिल जाएगा। सेल्फी खींचने का जगह हो गया, और पीछे बंदर रख के कोई सेल्फी खींच रहा है, तो ऐसा है, देखने में बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो बहुत अच्छा लगा। और हवाएं चलते रहे, इतना मंदिर है, मंदरिया में बच्चे समेत यहाँ पे खेल रहा था, तो हवाएं बहुत चल रहा था। जितने ऊपर हम लोग जा रहे थे, हम लोगों की तकलीफ और मन का दुख दूर करने के लिए तो नहीं हवा हम लोगों को मिलता रहा, तो ये बहुत बढ़िया बात है। आप लोग डरिए मत, जब भी आएंगे तो माता के दर्शन के लिए आए तो कुछ कष्ट तक करना होगा, कष्ट करिए तो कष्ट का फल अच्छा होता है। माता के दर्शन के लिए इतना आराम दे के हम मांगना है, तो उसी के लिए देखिए उन लोगों ने ऊपर चेहरा। तो कुछ टाइम हम लोगों ने ये बंदर मंदरिया के साथ बिताने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके थे, उसी मदद हम लोगों को थोड़ा रेस्ट भी मिल गया। हम लोगों ने ऊपर चढ़ते नीचे से पानी का बोतल ले लीजिए, क्योंकि ऊपर पानी मिलता है, उतना ज़्यादा भी मत लीजिए कि वजन ज़्यादा हो जाए। तो हम लोगों ने ये सोच के थोड़ा थोड़ा सभी अपना पानी प्यास बुझाने के लिए ही एक बोतल पानी लिया था, तो हम लोग ने लिया। देखिए बच्चे लेके किसी के पीठ में बच्चा, किसी का हाथ में बच्चा, किसी का कंधे में कंधा लेके वो लोग ऊपर आते हैं, तो इसका आनंद ही कुछ और है। और ऊपर से अब ये नज़ारा देखिए, माया गंगा माया का दर्शन यहाँ पे ऊपर से भी हो सकता है। मैंने बोला था ना, वो रास्ते में खाने का सामान भी मिल जाता है, कुछ कुछ लोग खाते खाते निकल जाते हैं, कुछ कुछ गर्मी है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उस टाइम में तो फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, एनर्जी आपको कष्ट दो सब कुछ, तो यही पे खा के खुद करके हम जा सकते हैं। देखिए रास्ते हम तो कह रहे हैं इसकी धूप में
किसी का तो टट्टू या कोई हाथ में डिजाइन विजन बनाना है तो इसके लिए बंदूक थे इसमें उनको मतलब जाते जाते आपको मनोरंजन भी हो जाएगा, आपको खा भी सकते हैं और इसका तो इसको थोड़ा जाके टट्टू वगैरह बना के माँ के दर्शन का जो क्या बोलते हैं इसको और एक यादगार को बना के लेके भी जा सकते हैं। और जैसे ही हम लोग चलते चलते ऊपर चलते हैं तो माता का मंदिर के लिए आगे बढ़े। यहाँ पे हम लोगों ने पहले से बात करके एक दुकान से फूल और अपना माता को चढ़ाने के लिए मोमबत्ती अगरबत्ती ऐसे सब कुछ ले लिया और जूते उनके पास रखने का जगह दे दिया। तो हम लोग जूते वगैरह रखने के बाद हाथ पैर मुंह धो के वो माता को चढ़ाने के लिए जो मिलते हैं फूल और माता का चढ़ाने के लिए जो सामान सब कुछ लेकर हम लोग आगे बढ़े। यहाँ में बहुत भीड़ है, अगर लाइन में जाते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो एक ट्रस्ट है जहाँ से जहाँ पे हम लोग जो सामान खरीदा उन दादा से बात करने के बाद उन दादा को बोला कि स्पेशल हम लोगों को VIP का टिकट लेना पड़ता है, इसके ज़्यादा फीस भरना पड़ते हैं, तो हम लोगों को जल्दी जल्दी मंदिर में पहुँचा देगा और हम लोग जल्दी जल्दी दर्शन करके माता का पूजा करके माता को प्रणाम करके फिर से निकल सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है बच्चे लेके आए हैं तो थोड़ा आगे हो जाएगा तो बुरा नहीं है। तो यहाँ पे आके हम लोगों को टिकट बनाना पड़ा और